बाघ के हमले में मृतक धनराज के शव को सरकारी अस्पताल से दूसरे दिन दोपहर 2 बजे के बाद वन विभाग के आश्वासन के बाद लिया गया। बडम्बा नवीगांव निवासी धनराज मणिराम नेताम पर बाघ ने हमला कर उसे मार डाला था। इसी प्रकार इस क्षेत्र में हमले के अनेकों प्रकरण हो चुके हैं। बाघ के इस प्रकार आए दिन हो रहे हमले से अनेकों लोगों की व प्राणियों की जानें भी गई हैं और अनेकों घायल भी हुए हैं। फिर भी लोगों का कहना है कि वन विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। इस बात का क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। इस रोष को दर्शाते हुए क्षेत्र के लोगों ने देवलापार के सरकारी अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया और धनराज के शव को जब तक नहीं लिया जब तक वन विभाग के आला अधिकारी सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचने पर धरना प्रदर्शन कर रहे प्रमुख लोगों ने वन विभाग के भारत सिंह हाड्डा उप पवन संरक्षक नागपुर के सामने मांग रखी कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में बाघ तेंदुआ जैसे हिंसक प्राणियों द्वारा हमले की घटनाएं बढ़ गई है। इन घटनाओं में अनेकों लोगों की फालतू पशुओं की जान भी गई है और अनेकों घायल भी हुए हैं। इसलिए फॉरेस्ट परिसर के कोर से बफर जोन क्षेत्र तक 15 फीट की तार फेंसिंग लगनी चाहिए और सोलर झटका करंट भी लगाना चाहिए और बाघ तेंदुए जैसे हिंसक प्राणियों द्वारा हो रही घटनाओं में मृतक परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और बफर जोन के करीब के प्रति 1 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को 50,000 रुपए नुकसान भरपाई। बाघ के हमले में मृतक धनराज के शव को सरकारी अस्पताल से दूसरे दिन दोपहर 2 बजे के बाद वन विभाग के आश्वासन के बाद लिया गया। कारा न्यूज के लिए शरद गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रमेश कारामुरे, प्रहार नागपुर जिला प्रमुख। जिस तरीके से घटनाएं ये दिन ब दिन इधर बढ़ते जा रही है, जिस तरीके से जंगली जानवर इंसानों में जो संघर्ष हो रहा है उसमें इंसान मारे जा रहे हैं और उनकी कीमत 25 लाख सरकार ने ठहरा दिया है कि तुमको 25 लाख दिए जाएंगे और हम उपाय योजना कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली 25 लाख की जगह पे व्यापक तरीके से उपाय योजना करना चाहिए। हर गाँव के लोगों को, मेन प्रमुख लोगों को बुलाकर वन विभाग ने कुछ पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरीके से उपाय योजना की जाए, किस तरीके से ये प्रकार रोका जाए। इसलिए बड़े लेवल पे अधिकारियों के साथ बैठ के सरकार ने इस पर निर्णय लेना चाहिए और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। राजकारणाचा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हा विषय वेगळा आहे। आम्हाला राजकारणाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी कुठलाही शब्द बोलायचा नाही। किरणताई, आम्हाला एवढंच म्हणायचं आहे की काय होतं सर मागच्या दरम्यान मध्ये त्या छवरीमध्ये एक माणूस मेला, शेतावर मेला, मेला बिचारा उचलला, त्याला शासनानं त्याला 25 लाख रुपये दिलं, मोकळं केलं। मागच्या दरम्यान मध्ये डोंगर माणूस मरण पावला, त्याला 25 लाख रुपये दिलं, मोकळे झाले। त्याच्यानंतर अजून आमच्या देवलापारचा एक माणूस मरण पावला, त्याला पैसे दिले, मोकळे झाले। त्याच्यानंतर कडबी खेड्याचा माणूस मरण पावला, मोकळे झाले, पैसे दिले। हा ही प्रथा, ही व्यवस्था हे याच्यासाठी आमच्यासाठीच आहे का? आमचा आमच्या पन्ना आहे आणि म्हणून आमचे जनप्रतिनिधींनी कुठेतरी या गोष्टीची नोंद घेऊन काहीतरी या लोकांच्या साठी, या समाजाच्या विशेषता या ठिकाणी सर ओबीसी लोक असतात असं नाही म्हणणार मी, ओबीसी लोक नाहीत म्हणून। तो सवारीचा माणूस गवळी समाजाचा होता, तो भोपटे समाजाचा होता, गवळी समाजाचा असा नाही, तो आदिवासी आहे म्हणून। आणि म्हणून या क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या साठी आपण आपल्या माध्यमानं शासनाच्या परी शासनाच्या स्तरावर काहीतरी ठोस उपाय योजना करावं। आम्हाला कोणाच्या संदर्भामध्ये वाईट विचार नाही। मग शांताताई असेल, हरीश उईके असतील, कुडवते भाऊ सभापती असतील, यांच्याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचं नाही। पण आम्हाला एक जाणीव आहे म्हणून आम्ही हे कर्मचारी संघटनेचे लोक, आम्हाला काय गरज त्या मगाची, ते आमच्या भावना आमच्या त्या भारत भाडासोबत आर्ग्युमेंट केलं। त्याच्यानंतर त्या बिजली मॅडम सोबत, ते राजलक्ष्मी मॅडम सोबत, ते सीसीएफ आहे, त्यांच्यासोबत एवढं मोठं आर्ग्युमेंट केलं, ही साधी गोष्ट नव्हे। आमच्या आमच्या नोकरीलाही आम्हाला धोका नाही का? आम्ही हे का करतो? आणि म्हणून तुमच्या सारख्या जनप्रती लोकांकडून आम्हाला ही अपेक्षा आहे की आम्हाला कुठंतरी तुमच्याकडनं संरक्षण भेटलं पाहिजे, का नुसतं आमच्या लोकांनी मरावं? जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। जैसे बढ़ावा उन्होंने बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए करे है, वैसे ही लोगों की सुरक्षा का भी उतना ही ख्याल करे कि वो लोग कैसे सुरक्षित हो। आज यहाँ के लोग शेरों के डर से जूझ रहे हैं और यहाँ तो समस्या वैसे पूरी भरी पड़ी है। आरोग्य की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है और रोजगार तो ये सबसे ज़्यादा हमारा छीना गया है यहाँ से। इसी
फॉरेस्ट के वजह से, तो इसके लिए कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए। बैठ के साझा गवर्नमेंट ने या लोगों से चर्चा करके इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करके कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। यही मैं गवर्नमेंट से विनती करूंगा, और यहाँ के जो आला अधिकारी है या उनसे छोटे अधिकारी है, उन्होंने लोगों को कोऑपरेटिव करना चाहिए। जो जंगल में जो भी जो होता है, उनका रोजगार जो चलता था पहले जंगलों की वजह से, वो हट गया है। उसके लिए कुछ तो भी हर एक घर को, गरीब परिवार को, कि उनका घर कैसे चले, उनके लिए सिक्योरिटी के लिए क्या है, 5,000-10,000 ऐसे सानुग्रह अनुदान ऐसे चालू चलना चाहिए हर एक फैमिली के लिए। मैं विजय कोकोड़े, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन। कल जो घटनाएं डेवलपर दवाखाने में लाकर एक हमारा रिश्तेदार मृत पाया, धनराज नेताम, जिसका कारण था कि एक बाघ ने उसे उनके खेत में झपट कर मारा। मैं आपके माध्यम से शासन और वन विभाग को आज जो घटनाएं हुई इसके बारे में जरूर अपनी बात को रखना चाहूँगा। आज पूरी हमारे ट्राइबल इलाके के सब लोग इकट्ठा हुए दवाखाने, और जब तक के बॉडी नहीं हिलाए, जब तक CCF से हमारी बात नहीं हो पाई, यहाँ पर DCF आए, उन्होंने सारी बातें घटनाक्रम से हमारी सुनी, हाड़ा जी थे और फिर CCS से हमारी बात करवाई। लेकिन ये बात इतना समाधानकारक नहीं है हमारे लिए। पिछले 1.5-2 महीने से जो घटनाएं हो रही है, हर बार यहाँ का आदमी या कोई पशु मारा जा रहा है, और इसीलिए आज सभी ने एक आंदोलन के रूप में इस घटना को दिया कि आज धनराज मारा भी गए, कल और भी जाएगा। ये गवर्नमेंट में संज्ञान में है, ये कैमरा भी लगाते हैं फॉरेस्ट में, कोर जोन से बफर जोन से आते वक्त जो हिस्टर पशु हैं वो आते हैं, उनको ढूंढने के लिए वो उनके पास में एक व्यवस्था है। पर ये वन विभाग के कर्मचारियों की हलगर्जी है, या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं कि ये माघ जमीन पे आए, हमारे खेतों में आए और हमारे खेत से लगे हुए सटे हुए काश्तकारों को इस तरह से ये करे, घायल करे, मारे और खाए। मेरा गवर्नमेंट से, शासन से निवेदन है कि द शेड्यूल ट्राइब एंड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 बना हुआ है, इसके पहले 1912 में भी एक कायदा बनाया, इसमें सारे प्रावधान दिया हुआ है कि मान लो शेर कोई 3-4 घटनाएं करती है, हिस्ट्री है, तो उसको मारने का परमिशन गवर्नमेंट से लेके, या फिर इनके जो भी CCF है, द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर है, इनके पास से लेके इनको इनकी बंदोबस्त कर सकते हैं, इनको मार सकते हैं या फिर पकड़ सकते हैं और दूसरे वन्य प्राणी संग्रहालय में इनको रख सकते हैं। इस तरह की चीजें इन्होंने करना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों में जो अभी आपत्ति आ रही है, खेतों के बीचों में खेत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उनका उधर निर्वाह नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने ये सारी हमारी मांगे वहाँ पर रखी। हम जब तक के ये मांगे पूरी नहीं होती, तब तक की बॉडी को वहाँ से, मृत शरीर को हमने वहाँ से नहीं हिलाया। वहाँ पर हमने मांग की एक कि जो भी कोर जोन से आने वाली, बफर जोन की तरफ में आने वाले जितना भी क्षेत्र है, उसमें कम से कम 15 फीट तक जाली जो झटके के साथ होना चाहिए सोलर करंट के, इस तरह की जाली उन्होंने लगाना चाहिए। दूसरी मांग हमारी थी कि जो आदमी मरता है, एक जवान लड़का, जब तो इसकी शादी नहीं हुई थी, ऐसे अब लोग यदि जले जाते हैं तो कम से कम गवर्नमेंट ने उस फैमिली के एक मेंबर को नौकरी, परमानेंट नौकरी और 1 करोड़ रुपए का अनुदान राशि यहाँ पर देना चाहिए, हमारी दूसरी मांग थी। तीसरी मांग हमने बोला कि गवर्नमेंट इस हिसाब में, उसके संज्ञान में आने के बावजूद ये काम क्यों नहीं करती। इसीलिए वहाँ पर जितने भी जो फॉरेस्ट के सट्टे के लगे हुए जो भी ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें को एक नुकसान भरपाई करके, ये कम से कम 1 साल का, क्योंकि उनका फसल होती नहीं, इसलिए 1 साल में कम नान
उस जमीन को पर एकरी 50,000 रुपए उन्होंने देना चाहिए ताकि उनका उधर निर्वाह चल सके। तो ये ऐसी हमारी कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमने सभी लोगों ने इकट्ठा, पूरे 50 गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो गए और ये इस बातों को हमने डिपार्टमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट को दिया है। मैं चाहता हूं ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन एज ए जनरल सेक्रेटरी कि ये सारी व्यवस्था है ये पूरा करने का जो DCF हाड़ा ने हम लोगों को मतलब एक शाश्वती दी है, ये अपने ऊपर वालों से, अपने वरिष्ठ वालों से या गवर्नमेंट में पॉलिसी के तौर पे ये चीज़ों को यहाँ पे लाना चाहिए और इन लोगों को एक राहत, हम लोगों को यहाँ रहने वाले ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे अदर लोग हो, सभी लोगों को एक राहत देने की दिशा में उन लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए। आश्वासन के बाद में आपने बॉडी अपने घर पे लाए, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिए, CCF से हमारी बात हुई, फोन पे बात हुई और हमने सारी मांगे उनको दिए, वो हमारे सिल्लारी में उन्होंने बोला कि मैं जब सिल्लारी में आऊंगी तो आपके साथ में बैठूंगी और उसके साथ में उन्होंने एक हर महीने में मीटिंग बुलाने के लिए 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में हम लोग ये बताएंगे कि हमारी समस्याएं क्या है, ग्राउंड लेवल पे किधर समस्या है, तो AC में बैठ के ये सारी समस्या को हल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इधर की समस्या हम लोग वहाँ लेके जाएंगे और ये बताएंगे कि बेटा हम लोग भाई हम लोगों के पास में ये हफ्ते भर के अंदर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम कुछ सुझाएंगे, वो अपने लेवल पे अपने दायरे में जो चीजें होंगी उसको वो करेंगे। इस तरह की एक समिति बनाई, जब हमारे को आश्वासन दिया गया उस वक्त हम लोग बॉडी फिर यहाँ पर लेके आए हैं। अभी अंतविधि इस बार होगी लेकिन इसके बाद यदि ऐसी कोई घटना होती है तो हम रोड पे जमेंगे, चक्का जाम करेंगे, ये सारे इलाके के लोगों को ग्राम सभाओं के माध्यम से हम लोग ये बताएंगे कि इस बार इसके बाद में ये ऐसी घटनाएं दोबारा होना नहीं है। जब तक समाधान कारक, जब तक कोई समाधान कारक हम लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक हम लोग ये नहीं होने देंगे। थैंक यू। फॉर्चून एक दंत, आपके सपनों का घर। फॉर्चून इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर, मौजा वेड़ाहारी में आउटर रिंग रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम खापरी मेट्रो स्टेशन, 3 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 किलोमीटर फ्रॉम मिहान, 500 मीटर की दूरी पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल, 2 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा रोड और बीसा स्क्वायर। स्पेशल एमिनिटीज, ट्री प्लांटेशन, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सिवरेज लाइन, वाटर सोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, फेंसिंग टू इंटायर लेआउट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 80% बैंक फाइनेंस आल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर कैलाश पटली, डायरेक्टर 8605673995, ऑफिस प्लॉट नंबर 7, सेकंड फ्लोर, उत्कृष्ट सोसाइटी, नियर पूर्ति सुपर बाजार, बीसा रोड, नागपुर।